नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के बारे में। सब हमसे पूछते हैं कि कौन सा इम्प्लांट डलवाएं, ड्यूअल मोबिलिटी, सिरेमिक, सिरेमिक ऑन सिरेमिक, सिरेमिक ऑन पॉली, सीमेंटेड, नॉन सीमेंटेड। और हम पेशेंट का एग्जाम्पल देकर आपको बार बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेशली आपको बताएंगे कि कौन से इम्प्लांट्स आजकल रूटीनली डल रहे हैं और उससे इम्प्लांट की यानी कि आपकी सर्जरी की लाइफ पर कितना फर्क पड़ता है, इम्प्लांट की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या अच्छा इम्प्लांट डालना एक गारंटी है लॉन्ग लाइफ ऑफ इम्प्लांट की, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ पेशेंट्स के एग्जाम्पल दूंगा, उनके इम्प्लांट्स जो हमारे पास हैं उन्होंने क्या सर्जरी कराई थी और उसमें कितनी उसकी लाइफ रही, उसमें क्या रीजन रहे, क्या हो सकता था और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं जिन लोगों को इम्प्लांट्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। हमारा जो हिप जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें एक तरफ बॉल होती है, एक तरफ सॉकेट होती है। इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं, ये फीमोरल हेड होता है और ये हमारे इम्प्लांट के चार पार्ट होते हैं। ये स्टेम है जो फीमर में जाता है, जो आपकी थाई बोन के अंदर चला जाता है, यहाँ तक इतना बाहर रहता है। इसके ऊपर ये जो बॉल है, जो हेड है, इसके ऊपर फिट हो जाता है। इसी तरह से जो एसिटेबुलम की सॉकेट होती है उसमें ये मेटल की कप डलता है और इसके अंदर ये लाइनर डलता है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा हिप रिप्लेसमेंट का ज्वाइंट बनता है। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, स्टैंडर्ड पार्ट है नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट के। पेशेंट अब हमसे पूछते हैं कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक, सिरेमिक ऑन पॉली, तो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। जो ये हमारा एसिटेबुलम कप है ये एक फिक्स पार्ट है। इसी तरह से हमारा जो ये स्टेम है जो फीमर के अंदर जाता है ये भी एक फिक्स पार्ट है। तो ये दोनों फिक्स रहते हैं लेकिन इनके बीच में जो लाइनर और जो हेड आता है इस तरह से, ये है जो पार्ट मोबाइल है। अगर आपका जॉइंट घिसता है तो इस जगह पर घिसता है, तो इन दोनों सरफेसेस का जो फ्रिक्शन है वही डिसाइड करता है कि आपके इम्प्लांट की लाइफ कितनी है। ये है अगर हम बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं तो। लेकिन अब जैसे हम इसी पेशेंट की बात करें जिसका हमने ये इम्प्लांट लिया है, इनको 3 साल पहले इनकी सर्जरी हुई थी, हमारे यहाँ नहीं हुई थी, कहीं इस किसी और हॉस्पिटल में, लेकिन 3 साल के बाद ही अब ये बेस्ट इम्प्लांट माना जाता है सिरेमिक ऑन सिरेमिक। लेकिन हम इसको रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे। तो इन पेशेंट के साथ क्या हुआ कि 3 साल के बाद इनको पेन शुरू हुआ और इनको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से हमें ये सारा इम्प्लांट रिमूव करना पड़ा। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अब ये है हमारे एक दूसरे पेशेंट का इम्प्लांट, आप देख सकते हैं। इसमें भी सिरेमिक हेड था, ये इनकी सॉकेट थी। ये हमारा दूसरा पेशेंट है, इसमें भी नॉन सीमेंटेड स्टेम था, ये सिरेमिक हेड था, ऐसे ही मेटल की सॉकेट थी। लेकिन आप ये देखिए, इनका जो सिरेमिक लाइनर था उसके मल्टीपल पीसेस मिले हैं अंदर। ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से, यही एक वजह है जिसकी वजह से हम सिरेमिक ऑन सिरेमिक नहीं करते हैं, कि पेशेंट का जॉइंट अगर किसी वजह से डिसलोकेट होता है तो आमतौर पर यह सिरेमिक लाइनर टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट इम्प्लांट यूज करें, सिरेमिक ऑन सिरेमिक यूज करें और हमारा इम्प्लांट सालों साल चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पेशेंट को 3 महीने के अंदर ही अपना इम्प्लांट निकलवाना पड़ा और अब इसकी हमने रिवाइज सर्जरी की है। इन पेशेंट्स के वीडियो हम आपको अलग से दिखाएंगे, आज हम सिर्फ इम्प्लांट की बात करेंगे। अब ये डिसलोकेट क्यों हुआ और पहले केस में इन्फेक्शन क्यों हुआ, अब हम इसकी बात करेंगे। तो इम्प्लांट की क्वालिटी एक हद तक ही आपकी सर्जरी की लाइफ डिसाइड करती है। अगर सर्जरी में कोई प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि आपका इम्प्लांट बहुत लंबा चलेगा। यहीं पर रेलेवेंस आती है MIS टेक्निक की। अब दो एग्जांपल जो हमने आपको दिखाए, इसमें हम कैसे अवॉइड कर सकते थे कि पेशेंट को रिवीजन ना कराना पड़े, यानी कि पेशेंट को दोबारा सर्जरी ना करानी पड़े। MIS टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम टिश्यू को मिनिमम डैमेज करते हैं, किसी मसल को डैमेज ही नहीं करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स पहले थी एनाटॉमिकली वो वैसे की वैसे वहीं रहती है, पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट की हीलिंग बहुत फास्ट होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है इन्फेक्शन को अवॉइड करने का।
हमारे पेशेंट में इन्फेक्शन इसलिए मिनिमम है कि हम अंदर ट्रॉमा नहीं करते हैं टिश्यूज का, हमारी सर्जरी बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है और पेशेंट की हीलिंग विद इन ए वीक हो जाती है। इनफैक्ट हम अपने पेशेंट को 24 आवर के बाद एंटीबायोटिक भी नहीं देते हैं, वी आर सो कॉन्फिडेंट। तो MIS टेक्निक जो हम अब तक बात करते आए हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ चौकड़ी लगाना और जमीन पर बैठने के लिए ही की जाती है, ऐसा नहीं है। MIS टेक्निक के ये भी फायदे हैं कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम है। तो अगर आपने अच्छा इम्प्लांट डलवाया है लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड टेक्निक से है तो उसमें MIS टेक्निक के कंपैरिजन में इन्फेक्शन के चांसेस स्लाइटली हायर रहेंगे, नंबर वन। सेकंड पेशेंट जिसमें आपका सिरेमिक लाइनर पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है क्योंकि ज्वाइंट बार बार डिसलोकेट हो रहा था। अगेन जब हम MIS टेक्निक से सर्जरी करते हैं तो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत बहुत कम है। अगर डिसलोकेशन नहीं होता तो इस पेशेंट का इम्प्लांट बहुत साल तक चलता। तो यहां फिर MIS टेक्निक की इंपॉर्टेंस आती है कि अगर आपका ज्वाइंट स्टेबल है, आपका ज्वाइंट क्लीन है, आपके ज्वाइंट के अंदर टिश्यू ट्रॉमा नहीं है तो आपका इम्प्लांट काफी दिनों तक चलेगा। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इम्प्लांट एंड गुड टेक्निक। अगर दोनों चीजें परफेक्ट नहीं होंगी तो इम्प्लांट की लाइफ पूरी जितना हम कमिट करते हैं उतनी हो ही नहीं सकती। तो इन पेशेंट्स ने बहुत अच्छा इम्प्लांट डलवाया, ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट थे, सिरेमिक ऑन सिरेमिक इम्प्लांट थे, लेकिन फिर भी इनको विद इन 3 months एंड विद इन 3 years अपनी सर्जरी दोबारा करानी पड़ी। उस दौरान इनको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, कितने दिनों तक ये बेड पे रहे और अपने काम पर नहीं जा पाए। तो समरी यही है कि आपको अच्छा इम्प्लांट भी चूज करना है लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये भी डिस्कस करना है अपने सर्जन के साथ कि क्या आपकी सर्जरी MIS टेक्निक से हो रही है। तो अगर आप केयरफुल रहेंगे इन चीजों के लिए, हम आपको बार बार एजुकेट इसलिए करते हैं कि आप ऐसा ना हो कि ये सर्जरी कराएं और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा सर्जरी कराएं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिली होगी कि इम्प्लांट इज नॉट एवरीथिंग, सर्जिकल टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।